को मात देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कसरी है। यूपी में योगी ने जो कदम उठाया है उससे चीन की जनता बिलबिला उठी है। दिखाएंगे आपको आखिरकार वो क्या कह रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट की। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। कोरोना महामारी से निपटने के साथ ही यूपी सरकार ने प्रदेश की आर्थिक संरचना को मजबूत करने की कार्य योजना तैयार कर ली है। इसी के तहत योगी सरकार ने ऋण मेले की शुरुआत करते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से जुड़े उद्यमियों को एक क्लिक पर लोन दे दिया। लेकिन योगी यहां ठहरे नहीं, योगी तो इससे आगे बढ़ते हैं और उन्होंने तो ठान लिया कि चीन की बैंड बजानी है। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में स्वदेशी बढ़ाने पर जोर दिया है। योगी ने चीन की कैसे धज्जियां उड़ाई वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पूरी दुनिया चीन से प्लान कर रही है, एक प्रकार से नफरत से कर रही है। पूरी दुनिया जिस वैश्विक महामारी को झेल रही है, हर व्यक्ति इस बात को देख रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन उसके पीछे है। उन स्थितियों में आखिर हमारे यहां दीपावली के अवसर पर बौड़ी गणेश की प्रतिमाएं चीन से क्यों आएंगी? क्या ये गोरखपुर का टेराकोटा इसकी आपूर्ति नहीं कर सकता? क्या हम उनको डिजाइन दे देंगे और उस डिजाइन के माध्यम से वहां अगर उसको देंगे तो बेहतर, चीन से बेहतर प्रोडक्ट देने की क्षमता उनके पास है। दीपावली पर चीन से नहीं आएंगे अब गौरी गणेश की मूर्तियां और दिए। दरअसल ये सब कुछ अब यूपी में होगा, यानी गोरखपुर में होगा, ये खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं। अयोध्या में आयोजित पहले दीपोत्सव में 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए थे। ये मिट्टी के दीपक हमें पूरे उत्तर प्रदेश में ढूंढने पड़े थे, तब हमें 51,000 दीपक मिल पाए थे। लेकिन इस बार यूपी में क्षमताएं बढ़ जाएंगी और दिवाली पर चाइना से सामान नहीं आएगा। लेकिन आपको देखना चाहिए कि कैसे हम चाइना पर निर्भर हैं। भारत की जरूरत की 90% जीवन रक्षक दवाएं चीन से आती हैं। दवाएं बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामग्री का 75% हिस्सा चीन से आता है। 80% मेडिकल उपकरणों की सप्लाई चीन करता है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स यानी वाहनों के कलपुर्जों की 30% जरूरत चीन से पूरी होती है। इलेक्ट्रिक माल की जरूरत का 60% आयात चीन से होता है। देश के करीब 90% खिलौनों का बाजार भी भारत में चीन प्रोडक्ट पर ही निर्भर करता है। देश के साइकिल बाजार में 50% डिमांड आपात से पूरी होती है, जिसमें चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। यानी आपने देख लिया कि चीन अगर भारत में सब कुछ होने लगे तो चीन की कैसे धज्जियां उड़ जाएंगी और फिर चीन अपने पैरों पर आ जाएगा। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि जैसे योगी ने यूपी में सब कुछ शुरू किया और इस कदम के बाद कैसे बिलबिला रही है, अब चीन की जनता क्या कह रही है वो आपको देखना चाहिए। दरअसल 3 घंटे की जबरदस्त रिसर्च के बाद चीन के सोशल मीडिया में एक वेबसाइट है जिसका नाम है वीबो, वहां पर हमने सर्च किया, देखा और पता चला कि चीन क्या कह रहा है। तो चलिए एक एक कर आपको दिखाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनता को 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक राशि का ऐलान करके पागल बनाया है। वहां के हालात कैसे हैं, अपनी जनता को भूखा मरने दे रहा है भारत और ऐसे ऐसे ऐलान करके अपना भयानक चेहरा छिपा रहा है। यानी आपने देखा किस तरह से चीन जो है पागल हो चुका है। जब से पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ की घोषणा की है उसके बाद वो पूरी तरह से परेशान है। एक और चाइना शख्स क्या कहते हैं अपनी वेबसाइट पर, आखिर कोई 133 करोड़ की जनता को अपनी बात से चला सकता है? वहां के ही लोग मोदी पर सवाल खड़ा कर देते हैं और वो हमारे सामान पर ही सवाल उठा रहा है। यानी किस तरीके से बिलबिला रहे हैं चीनी, कैसे उन्हें डर सताने लगा है ये आपको पता चल सकता है। और लगातार इसी तरीके से वेबसाइट्स पर अगर आप घूमेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीनी जो है परेशान नजर आ रहे हैं। एक चीनी शख्स तो यहां तक क्या बैठा कि भारत कुछ ही दिन बाद हार जाएगा, थक जाएगा और उसके बाद फिर से वो हमसे सामान लेने लगेगा और कोरोना के बाद वैसे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि उन्हें उम्मीद लग रही है कि भारत चीन पर ही निर्भर रहेगा। ऐसे में लगातार पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और एडवांस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।